दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक फ्लैट के अंदर एक महिला और उसकी दो बेटियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। कमरे के अंदर बेड पर पड़ी तीनों लाशों के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। मृतकों की पहचान मंजू और उसकी दो बेटियां आंशिका और अंकु के तौर पर हुई। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही है। मौत की वजह दम घुटना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि परिवार के मुखिया की अप्रैल 2021 में कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। तब से ही परिवार डिप्रेशन में था। मंजू लगातार बीमार रहने लगी थी, जबकि दोनों बेटियां आंशिका और अंकु भी किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वसंत विहार थाने में रात करीब 9 बजे PCR कॉल के जरिए सूचना मिली कि वसंत अपार्टमेंट के 207 नंबर फ्लैट में कुछ लोगों ने खुद को अंदर बंद कर लिया है। डोरबेल बजाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। जिसके बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची तो फ्लैट के दरवाजे और खिड़कियां हर तरफ से बंद थी। पुलिसकर्मी किसी तरह मेन गेट खोल अंदर घुसे और पाया कि गैस सिलेंडर आंशिक रूप से खुला था और एक सुसाइड नोट भी मिला। कमरे में 3 अंगूठी भी रखे गए थे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दम घुटने से ही तीनों की मौत हुई है।